हे गाइस, तो आज मैं बात करने वाली हूँ टोटली रेबीज़ के बारे में, कि आप कैसे रेबीज़ से बचा जा सकता है, रेबीज़ की क्या क्या कंडीशन होती हैं, कि कब रेबीज़ या तो आपको हो गया एक्सपोजर होने के बाद में या फिर आपके पेट को है। तो रेबीज़ क्या है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम 50,000-60,000 के आसपास लोग इससे हर साल मर रहे हैं, और उसमें 1/3 जो आपका नंबर है 20,000 के आसपास वो इंडिया का नंबर है। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है डॉग बाइट्स का या कैट बाइट्स का, एनिमल बाइट्स का, जिस वजह से लोग मर रहे हैं। तो रेबीज़ में एक्चुअल में होता क्या है, रेबीज़ में जब आप डॉग का एक्सपोजर हो गया, जिस डॉग को रेबिड था, रेबिड एनिमल को, उससे आपका आरएनए वायरस आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है उसके सलाइवा के थ्रू, और इस केस में आपको रेबीज़ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि रेबीज़ का कोई इलाज ही नहीं है, रेबीज़ का इलाज है, लेकिन एक हद होती है ना कि हर चीज़ की, कि आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी, आपको एक्सपोजर हो भी गया उसके बाइट का, लेकिन आपने साल दो साल बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, फिर तो बचना मुश्किल है। लेकिन आप टाइम से अगर आप उसका इलाज करा लेते हैं तो डेफिनेटली इसका 100% इसका इलाज है। तो किस किस केसेस में आप जाके वैक्सीन लगवा के आए, अगर आपके घर में पेट है या कोई स्ट्रे डॉग ने आपको अगर बाइट कर लिया, अगर आपको बाइट कर लिया है या आपका स्क्रैच कर लिया है, उसके नाखूनों से स्क्रैच कर लिया, दांतों से बाइट कर लिया, उस केस में अगर आपको ब्लीड आ गया है, उस टाइम फटाफट से आप टैप वाटर से अपना हाथ धोएं, या जहाँ पे भी उसने आपको एक्सपोज किया, हाथ पे, पैर पे, बॉडी के किसी पार्ट पे, आप उसको अच्छे से धोएं, बहुत अच्छे से आप उसको पानी से धोएं, उसके बाद आप उसको साबुन से धोएं, बहुत अच्छे से आप उसको क्लीन कर लें अपने उस एरिया को, और उसके बाद आप उसमें, आपके पास कोई सैनिटाइज़र वगैरह तो आप उसको सैनिटाइज़र वगैरह लगा लें, और उसके बाद में आप जाएं और अपना वैक्सीन लगवा के आएँ। तो इसमें क्या होता है कि इनक्यूबेशन पीरियड होता है कि 4 दिन से लेके आप 2 साल तक, लेकिन जब वो वायरस आपके नर्व सिस्टम में चला गया उसके बाद आपकी वैक्सीन कोई काम नहीं करेगी, डेफिनेटली वहाँ डेथ होने की 110% या 100% जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं, वो आपकी फुल गारंटी है कि हाँ उस टाइम आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई वैक्सीन नहीं बचा सकती है। आपको पता कैसे चले कि हाँ मेरा जो पेट है उसको रेबीज़ है कि नहीं और उसने मुझे बाइट कर लिया, आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? उस इंसान को पानी से फोबिया होने लग जाता है, उसको बाहर की धूप से फोबिया होने लग जाता है, तेज़ चलने वाली हवा से फोबिया होने लग जाता है, और कुछ कुछ केसेस में पैरालिसिस की भी संभावना होने लग जाती है, अगर उसको फोबिया है या नहीं है तब भी पैरालिसिस होने लग जाता है। ये कैसे पता चले कि आपके पास जो पेट है, एनिमल है आपके पास, डॉग, कैट या कोई दूसरा एनिमल, उनको रेबीज़ है कि नहीं? उस केस में क्या है ना, आप ये देखेंगे वो कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन शो करते हैं, अनयूजुअली बाइट करते हैं, और अनयूजुअल का अग्रेशन दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको दिखा रहे हैं। और एक ये भी केस है कि अगर कोई डॉग, अगर आप देखते हैं स्ट्रे डॉग, अगर वो लंगड़ा रखा है, पैरालिसिस है उसको, तो उस केस में भी संभावना है कि उसको भी रेबीज़ है। तो ऐसे डॉग से और आप बच के रहें। एक ये केसेस भी सामने आते हैं कि अगर हमने अपने डॉग को फुल्ली वैक्सीनेट कर रखा है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है क्या? अरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर केस में आपको लगवाने की ज़रूरत है, आपके आपके डॉग वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लगवाएं। एक्सपोजर होने के बाद में आप फर्स्ट डे जाते हैं, उस टाइम आपको इंजेक्शन लगता है, तो ये कौन कौन से डेज इंजेक्शन लगता है? एक इंजेक्शन लगता है IDRV नाम से, 0.1 ml लगता है, और आपको फर्स्ट डे, थर्ड डे, सेवन्थ डे और 28th डे आपको ये वैक्सीनेशन लगती है। और हाँ ये है, और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो कभी, जैसे समझ ले बच्चे के अंदर बाइट की केस आ गया, या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर सीवियर बाइट का केस आ गया, उस केस में आप क्या करें, आप वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से अपना लेते रहें। इसमें आपको कोई डाइट वाइट का कुछ ऐसे प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ता है। और आप क्या करें, इसमें अल्कोहल नहीं लें आप इस केस में, और जो कुछ कुछ लोग को एक्सरसाइज करने की आदत होती है वो एक्सरसाइज भी नहीं करें जब तक आप वैक्सीन अपनी प्रॉपर नहीं ले लेते पूरी तब तक। अब ये है कि आपने अगर वैक्सीन ले ली तो ये वैक्सीन आपकी कब तक वैलिड रहेगी, आपके 4 वैक्सीन पूरी ले ली है, उसके बाद में आपका 3 महीने तक
आपको अगर डॉग ने फिर से एक्सपोज किया, वापस से आपको बाइट लगा है, स्क्रैच लगा है उसके नाखून से, तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ जहाँ आपको लगा है आप वही पानी से और साबुन से धोएं और डॉक्टर के पास जाके उसकी सिर्फ बर्म पट्टी होती है, उसके बाद आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। इन केस आपको 3 महीने के बाद में अगर आपका एक्सपोजर हुआ है, आपको बाइट हुआ है, तो उस केस में आपको 2 डोज और लगते हैं वैक्सीन के। और अगर आपको 5 साल बाद में अगर ऐसा कोई केस हो रहा है कि 5 साल बाद में आपको कोई एक्सपोजर हुआ है, तो उस केस में आपको ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 4 डोज लगना, तो ये सारे जो प्रोसीजर है वो वापस से चालू होगा। इसमें आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपको टीटी का इंजेक्शन पहले नहीं लगा हुआ है, लास्ट आपको 1 साल के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगा, तो आप टीटी का इंजेक्शन भी लगवा लीजिए इसके अंदर। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। डॉग का क्या वैक्सीनेशन रहती है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। इसमें मेरी मेन मोटिव था कि ह्यूमन को जब एक्सपोजर हो जाए उसके बाद में वो किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशन ले सकता है और कौन कौन से उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए और ध्यान रखने, और इतना ध्यान रखें आप अपने पेट के साथ खेल रहे हैं लेकिन एक ध्यान रख के खेलें, उसके नेल्स हैं वो रेगुलरली आप कट करते रहें, उसके दांत से थोड़ा बचें, अपने आप को एक्सपोजर कम कराएं। और ध्यान रखें आके अगर घर में बच्चा है तो बच्चे के साथ अपने डॉग का पेशेंस बिल्कुल चेक नहीं करें, कब वो बाइट कर ले, बच्चे का नहीं पता उसको कब वो टीज कर दे और वो उसको बाइट कर दे, तो बच्चे के साथ आप डॉग बिल्कुल नहीं अकेला छोड़ सकते हो। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।